नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक्सप्रेस का यूज़ करके आप कुकीज़ को क्रिएट कर सकते हैं या कुकी पार्सर का यूज़ करके आप कुकीज़ को डेवलप कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक कम्प्लीट वेब सीरीज़ मैं आप बनाने जा रहा हूँ जो कि मीन स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कुकीज़ को, इसका मीनिंग क्या होता है, कुकीज़ किस तरीके से यूज़ में आती हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग किया हुआ है तो हर टेक्नोलॉजी के अंदर कुकीज़ आपकी इंप्लीमेंट होती हैं। इसमें हम करते क्या है कि यूज़र के डेटा को यूज़र के कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर करते हैं। आप देखते हो कि कई वेबसाइट्स होती हैं जहां आप कुछ डिटेल्स आप एंटर करते हो, आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हो, वहां नीचे लिखा होता है रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर। अगर आप उसे चेक कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली वो लॉगिन हो जाता है। यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन को आपके क्लाइंट पीसी के अंदर ही स्टोर करके रखा जाता है। ये स्मॉल डेटा फाइल्स होती हैं जिनको हम स्टोर करके रखते हैं। जितनी बार भी आप उसी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पर आप कुकीज़ को सेव करते हैं, जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, दोबारा से किसी भी यूआरएल को आप ओपन करते हो या वेबसाइट को, किसी भी पेज को आप ओपन करते हो, तो आपकी जो कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्वर तक पहुँचती है। तो ये सेशन मैनेजमेंट में भी आपकी हेल्प करता है। अब बात आती है कि एक्सप्रेस का यूज़ करके हम कुकीज़ को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। देखिए, कुकीज़ जो इंप्लीमेंट होती है वो कुकी पार्सर के नाम से आपका मिडलवेयर होता है। पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप npm पैकेज मैनेजर का यूज़ करके कुकी पार्सर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड होती है npm इंस्टॉल कुकी पार्स -save, तो इससे आपके package.json भी आपकी अपडेट हो जाएगी और जिसमें कुकी पार्सर की इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। क्रिएट किस तरीके से की जाती है, देखिए, जो आप कुकीज़ को क्रिएट करते हो वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करके करते हैं। तो res जो है यहाँ पर वो एज ए रिस्पॉन्स आपको यहाँ दे रहा है। डॉट कुकी आपका एक मेथड है जिसके अंदर आपको मिनिमम दो आर्ग्यूमेंट आपको पास करने होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉर द कुकी नेम, जो आप नेम रखना चाहते हैं। सेकेंड द वैल्यू। एक्सपायरेशन टाइम भी आप सेट कर सकते हैं कि ये जो कुकी है आपके कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि res.cookie मेथड के अंदर आपने एक थर्ड आर्ग्यूमेंट और पास किया हुआ है, जो कि आपका एक एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो रहा है, जिसमें आप एक्सपायर कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। एक्सपायर कीवर्ड आपका यूज़ में आता है एक्सपायरेशन टाइम को सेट करने के लिए। यानी कि आपने यहाँ कुछ 360,000 नैनो सेकेंड्स आपने वैल्यू यहाँ पास किए, प्लस डेट टाइम, डेट डॉट नाउ जो है आपकी डेट को रिटर्न करेगा, उसमें ये टाइम को सेट कर देगा। इतने टाइम तक आपकी कुकी रहेगी, उसके बाद ही एक्सपायर हो जाएगी। आप मैक्स एज का यूज़ करके भी कर सकते हैं। मैक्स एज में आज से टाइम जो होता है उसमें आगे आपका ऐड हो जाता है, तो ये बिल्कुल लगभग एक्सपायर की तरह ही है। कोई ऐसा कोई खास बड़ा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। अगर आपको कुकी को डिलीट करना हो तो क्लियर कुकी के नाम से आपके पास एक मेथड होता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली कुकी नेम को आप पास कर दीजिए, तो वहाँ पर आपकी कुकी डिलीट हो जाएगी। तो ये अब तक मैंने थ्योरी के पार्ट को डिस्कस किया है, अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पर मूव करते हैं। इस काम को करने के लिए मैं एक सेपरेट एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आपको करना क्या है, npm init से package.json को क्रिएट कराना है। पहले एंटर करते जाइए, ये आपकी package.json आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब आपको कुछ जो डिपेंडेंसीज हैं वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। आपने इंस्टॉल किया npm install express -save, ये कमांड थोड़ा सा टाइम लेगी। एक्सप्रेस जो आपका फ्रेमवर्क है, नोड मॉड्यूल है, वो आपका यहाँ इंस्टॉल होगा। एक्सप्रेस आपका यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको करना क्या है, npm install अब आप बॉडी पार्सर को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कमांड को लिख सकते हैं, बॉडी पार्सर -save। तो ये जो मिडलवेयर है बॉडी पार्सर, उसको भी इंस्टॉल कर लेगा। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन अब तक सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सेटअप कंप्लीट होने के बाद अब आपको करना क्या है, एक फाइल को यहाँ क्रिएट करना है जो कि आपकी एंट्री फाइल होती है, जिसे हम बोलते हैं index.js। तो इसके अंदर ही आप कंप्लीट कोड करेंगे। यहाँ आपको कुकीज़ को क्रिएट करना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कोड की यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी। पहले एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाइए आप, वेयर एक्सप्रेस, और यहाँ आप रिक्वायर का यूज़ करें, रिक्वायर, और इसके अंदर आपने पास कर दिया अपने मॉड्यूल का नेम। यह आपने पास करने के बाद अब आपको एक कुकी पार्सर की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कुकी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पास कर दें कुकी पार्सर। यह आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया। अब एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर एक्सप्रेस exp लिख देता हूँ, और एक्सप्रेस फंक्शन को आप यहाँ कॉल कर लें।
या इसे नेम मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ, इसे मैं देता हूँ ऐप। उसके बाद आप लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर आप जो आपने कुकी पार्सर का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको आप यहाँ कॉल कर लीजिए, तो ये कुकी पार्सर का यूज़ करेगा एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप रिक्वेस्ट लिखेंगे ऐप डॉट गेट, गेट के अंदर जो यूआरएल में स्लैश यानी कि कुछ भी यूज़र ने पास नहीं किया हुआ है, इस पर एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर दो चीज़ें पास होंगी, एक तो रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। इन दोनों को सेट करने के बाद अब आपको यहाँ कोड करना है। तो देखिए कुकी को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट कुकी। सबसे पहले कुकी का नेम, कोई भी आप कुकी का नेम दे सकते हैं, मैं देता हूँ कुकी वन। ये कुकी वन मैंने नेम दिया और यहाँ पर मैं अपना नेम दे देता हूँ, यानी कुकीज़ के अंदर ये वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, योगेश शर्मा, ये वैल्यू मैंने आप पास कर दी। और आपको क्या स्ट्रिंग ब्राउज़र पे दिखानी है वो आप सेंड मेथड का यूज़ करके यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख दें कुकी हैज़ बीन सेट, ये आपने एक सिंपल मैसेज यहाँ पास कर दिया। इसके अलावा आपको कन्फिगर करना पड़ेगा अपने पोर्ट को, जिसे कन्फिगर करने के लिए आप लिखते हैं ऐप डॉट लिसन। लिसन में आपने जो भी आप पोर्ट नंबर देना चाहते हैं वो पोर्ट आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपने एक कुकी को क्रिएट कर लिया, तो चलिए अपन इसे अब एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो आप यहाँ लिखें, एक तो मैं नोटबॉन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल npm इंस्टॉल नोटबॉन। तो नोटबॉन आपका यहाँ इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब आपको जो कमांड रन करानी है वो इस तरीके से करानी है, नोटबॉन और index.js। तो अगर कोई भी फर्दर चेंजेस आप index.js के अंदर करेंगे तो आपको सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। तो अगर मैं अब यहाँ लोकल होस्ट और 3000 यहाँ डिफाइन करता हूँ तो आप रन करेंगे, इट शुड वर्क। आपने ऐप गेट के अंदर, अच्छा कोई एरर आ गया, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कुकी पार्सर। ओके, कुकी पार्सर को ये इंस्टॉल नहीं किया है इसने, तो आप क्या करें एक बार रीइंस्टॉल कर लीजिए, npm इंस्टॉल कुकी डैश पार्सर। ये इंस्टॉल हो चुका है, अब आप दोबारा से रन कराइए नोटबॉन index.js। अब ये रनिंग मोड में आ चुका है, अब आप देखें रीस्टार्ट कीजिए तो आप देखें कुकीज हैज बीन सेट। कुकी को आप देख किस तरीके से सकते हो, आप क्या करें कंसोल पे जाइए, यहाँ जाके लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और आप देखेंगे कुकी वन के अंदर योगेश शर्मा आपको वैल्यू यहाँ दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें एक रिक्वेस्ट और बना लीजिए, जैसे मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ शो, ठीक है, शो के नाम से मैंने डिफाइन कर दिया, और जिस कुकी को मैं शो करना चाहता हूँ उसे मैं यहाँ शो भी कर सकता हूँ। इसके लिए आप क्या करें, ये यहाँ तक तो इसे हटा दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए res.send, और इसके अंदर आप यहाँ आप लिख सकते हैं response.cookie, तो स्लैश शो आप करेंगे, इसमें रिस्पॉन्स नहीं रिक्वेस्ट का यूज़ होगा, आप रिक्वेस्ट डॉट कुकी करेंगे क्योंकि ये रिक्वेस्ट से आप एक्सेस कर सकते हो। तो स्लैश शो ये आपने लिखा, एंटर किया, तो ये कुकी को शो करना चाहिए। सेव हुआ है नहीं हुआ ये चीज़, और रिक्वेस्ट डॉट कुकी ना होके रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ होता है क्योंकि ये कंप्लीट कुकीज़ को शो करता है। सेव कर लीजिए, दोबारा से रन कराइए, अब देखेंगे तो कुकी वन के अंदर योगेश शर्मा आपको एज ए जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपकी कुकी यहाँ क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे इसका एक्सपायरेशन टाइम सेट करना है कि एक्सपायरेशन टाइम आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो देखिए डिलीट कुकी एक बार और देख लेते हैं हम, यहाँ डिलीट कैसे कर सकते हैं कुकीज़ को। तो आप यहाँ लिख दीजिए डिलीट, और इसके अंदर आपको करना क्या है, सिंपल सा कोड है, आप यहाँ इसे हटा कर लिख सकते हैं res डॉट क्लियर कुकी, कुकी का नेम जो आप रिमूव करना चाहते हो। तो ऊपर मैंने कुकी वन के नाम से बनाया था, मैं इसे यहाँ रिमूव कर देता हूँ, डॉट सेंड मेथड के अंदर मैसेज दे देता हूँ कुकीज कुकी वन हैज़ बीन डिलीटेड।
ओके, ये मैसेज आपने यहाँ दे दिया। तो अगर आप इसे कॉल करेंगे, अभी आप शो पर क्लिक करिए तो ये आपको शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो कुकी हैज़ बीन डिलीटेड, ये मैसेज आ चुका है। अगर मैं वापस से शो को देखूँगा, अगर आप इस URL को देखेंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे शो में अभी ये आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कुकीज़ को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे आपको बताना है कि एक्सपायरेशन टाइम हम किस तरीके से सेट करते हैं। तो आप क्या करें, इसे यहाँ से कमेंट कर दीजिए और एक नई कुकी यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए। इस कुकी का नाम भी मैं यहाँ कुकी वन ही रख देता हूँ, ये कोड मैं ऑलरेडी किया हुआ है टाइम को बचाने के लिए। तो देखिए, आपने एक्सपायरेशन टाइम सेट कर दिया और एक मैसेज दे दिया, कुकीज़ हैज़ बीन सेट। अब आप इसे दोबारा से रन करा के देखिए। तो मैं अगर इसे एंटर करता हूँ स्लैश, तो आप देखें कुकीज़ हैज़ बीन सेट आपके सामने आ चुका है। अगर मैं शो के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें कुकी के अंदर ये वैल्यू जाके सेव हो चुकी है। सेम इसी तरीके से आप मैक्स एज का यूज़ करके भी ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये आपको कोड करना है। कोड के अंदर भी मैं यहाँ पास कर देता हूँ कुकी वन, ये मैंने यहाँ पास कर दिया, ये वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी, कुकीज़ हैज़ बीन सेट आपके सामने आ जाएगा और शर्मा की जगह मैं यहाँ सेट कर देता हूँ शर्मा वन। ओके, ये आपने सेव करा, आप यहाँ इसे ऐड कीजिए। अभी आपको कुकी में शर्मा ही दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ एंटर करते हैं, कुकीज़ हैज़ बीन सेट आ रहा है और स्लैश आप शो करते हैं, तो उस कंडीशन में ये शर्मा वन हो गया। तो इस तरीके से आप मैक्स एज का यूज़ करके या एक्सपायर का यूज़ करके आप कुकीज़ को बना सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ कोड किया है वो कोड मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।